वेलकम टू व्यूअर, देखते हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का अपना दूसरा सवाल। ये है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। ना दूसरा दिया हुआ है रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। ना इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना देखते हैं। इसको पहले क्वेश्चन को पहले हम उतार लेते हैं जैसे दिया हुआ है। ये है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे है रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं रूट एट से, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं रूट थ्री से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ पे 16x प्लस यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 24y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ में रूट एट का तो जीरो ही हो जाएगा। ये गुना करेंगे इसके साथ में, ये हो जाएगा रूट नाइन एक्स माइनस रूट ना 24 ये वाई, फिर जीरो गुना करेंगे रूट थ्री के साथ में तो ये हो जाएगा जीरो। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा रूट 16 कितना होता है 4x है ना, यहाँ कितना होता है रूट थ्री कितना होता है 3, ये होता है x, यहाँ कितना हो गया बराबर जोड़ेंगे दोनों को तो ये जीरो हो जाएगा। यानी करने का मतलब क्या हो गया, 7x इक्वल टू हो गया जीरो, x इक्वल टू हो गया जीरो अपॉन 7, यानी कि इसका रिजल्ट हो गया जीरो x का मान। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। कितना हो गया रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो है, प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। यानी कितना हो गया रूट थ्री वाई इक्वल टू हो गया यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब वाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा जीरो अपॉन रूट थ्री, यानी किसका मान हो गया कितना, ये जीरो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।